आज हम जा रहे हैं ग्लोबल विलेज। और फाइनली अलबेग हमारा थैंक यू किया। ओके वेलकम। और यहाँ पे हमने देखा रश। यस, पाकिस्तान जिंदाबाद। यार मेरा यहाँ पे जाने का दिल कर रहा है भाई। हमारे से भी बड़ा कोई जिन आ गया इधर। कमाल है भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज मैं आपको जो है ना सैर करवाता हूँ दुबई की। आज हम जा रहे हैं ग्लोबल विलेज, मैं और मेरा दोस्त है मुबशर। और हम अभी जो है ना मुसफ़ा शाबिया में बस स्टेशन पे हैं। तो आपको अभी दिखाते हैं, बस स्टेशन का भी व्यू करवाते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे दुबई के जाने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो ये है मुबशर और मुबशर है मेरे साथ। हमने कुछ चिप्स वगैरह तो ले लिए साथ में, तो अभी देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं। हाँ जी मुबशर साहब, रेडी हो गए? हाँ जी, चले फिर हम चलते हैं फिर और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या ज़रूरी है दुबई जाने के लिए। यहाँ से आप जो है ना टिकट भी ले सकते हैं और उसके बाद कार्ड भी आप पे कर सकते हैं। ये है दुबई जाने के लिए कार्ड, अबू धाबी के लिए अलग से है और दुबई के लिए अलग से है। ये यहाँ से स्टेशन से आप रिचार्ज करवा सकते हैं। तो आप बस चलते हैं फिर। ये है बस और ये हम जो है ना बस के अंदर बैठ गए हैं। ठीक है, ये बस है और यहाँ से निकलेगी 2:30 पे। अभी रह गए 30 मिनट, ओपन हो जा नहीं हो रही तो दफ़ा करो। अभी जो है ना 2:47 हुए हैं और तो हम यहाँ से चलते हैं फिर। हाँ तो फाइनली हम जो है ना यहाँ पे पहुँचे हैं बिजनेस बे पे। पहले यहाँ पे हम उतरे हैं, ठीक है, ग्लोबल विलेज, इसके बाद जाएंगे। इसके बाद प्रोग्राम है कि पहले बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल भी देख लें अगर टाइम हुआ तो, क्योंकि बुर्ज जो है ना सॉरी ग्लोबल विलेज ये ओपन होता है शाम 4 बजे से अंटिल आई थिंक 11 or 12 o'clock। सो पहले हम अभी देखते हैं, फिर अभी व्यू देखने के लिए यहाँ पे आए बिजनेस बे पे। आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पीछे देखें, ये व्यू है। और इसके बाद अभी देखते हैं फिर कि बुर्ज खलीफा जाया जाए या फिर ग्लोबल विलेज। मेरा जो बेसिक दिल है वो यही है कि दुबई माल जाए, वहाँ से जो है ना अलबेग जो सऊदी अरब की मशहूर जो है ना क्या कहते हैं उसे, जैसे KFC है वैसे ही है अलबेग, वो खाने का तो दिल है। तो अभी देखते हैं फिर क्या होता है। रहिए हमारे का साथ साथ, रहिए हमारे साथ साथ। तो अभी आपको दिखाता हूँ व्यू बैक साइड पे कैमरा करके। ये है जी, ये मेट्रो करोड़ है और ये जो है ना बिल्डिंग्स बिजनेस बे में। ये देखिए और सामने जो ये बिल्डिंग है ये जो है ना हमारे पाकिस्तान के जो है ससुराल है उनकी है, लेकिन नाम नहीं दे। तो अभी माल के लिए सोचा कि यही
इसके बाद मेरे भी चले गए और यही हमारे साथ उसके बाद हम चले गए थे फाइनली जो है दुबई मॉल के अंदर इंट्रो हो चुके हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं ठीक है और बस आप ये आपको दिखाते हैं दुबई मॉल के अंदर भी देख देखते हैं कहाँ पे है पहले तो भूख लगी हुई है वो खाते हैं जाके बाकी भी देखते हैं आस्ता आस्ता तो टाइम भी शॉर्ट रह गया तो हमारे पास तकरीबन 3 घंटे रह गए तो 3 घंटे में हमने कवर करना है अभी ग्लोबल विलेज भी जाना है हमने तो देखते हैं कहाँ तक कवर हो सकते हैं आज नहीं तो नेक्स्ट कहीं पे आएंगे तो फिर घूमेंगे ओके रहिएगा हमारे साथ साथ दिखाते हैं आपको दुबई मॉल के अंदर का भी और अभी जो हम एंटर होने लगे हैं जी सेंटर पे ठीक है तो आपको भी दिखाते हैं दुबई मॉल का भी ठीक है और आपको आप इससे भी करवाते हैं ठीक है या आप देखें ऊपर से भी देखें ये है दुबई मॉल का व्यू फुली टॉप पे तो ये आपको दिखाते हैं ये ऊपर लास्ट पे बस इसके बाद हम फिर निकलेंगे ये दुबई मॉल सेंटर माशाल्लाह मस्जिद बनी हुई है ये दुबई मॉल के अंदर मगरब की नमाज हो रही है अजान हो गया मगरब की तो यहाँ पे हम देखते हैं जी अल बेग कहाँ पे है किसी से पूछते हैं ठीक है तो दिखाते हैं वहाँ पे जाके ये जो हम अभी देख रहे हैं जी अल बेग कहाँ पे है ये मुबशर साहब देख रहे हैं चलो जी ये हमें बताएंगे अभी कि अल बेग कहाँ पे है फिर वहीं पे चलते हैं बाकी तो दुबई मॉल तो घुमा हुई है तो अभी देखते हैं फिर सेकंड फ्लोर पे दिखा रहा है जी हाँ जी तो हमने चेक कर लिया जी अल बेग कहाँ पे है अल बेग है सेकंड फ्लोर पे ठीक है अगर किसी ने भी यहाँ पे आके चेक करना है जी अल बेग खाने का किसी का दिल हो ठीक है तो टेस्ट करने के लिए सीधा सेकंड फ्लोर पे जाएं सेकंड फ्लोर पे है अल बेग तो हम भी चलते हैं फिर तो खाते हैं अल बेग फिर आपको भी टेस्ट करवाते हैं कैसा जायका है जायका तो मुझे पता ही है क्योंकि सोचिए जब मैं गया था तो वो अल बेग खाई थी वहाँ पर तो बहुत अच्छा टेस्ट है अभी आपको भी दिखाते हैं ठीक है चलो फिर चलते हैं हाँ हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे बैग के लिए अभी देखते हैं क्या होता है जैनी वहाँ पर भी आपको बताते हैं कहाँ रश ठीक है और अभी का हमारे साथ कहाँ जा रहे हैं बस इसके बाद हम चलते हैं हम बैग खा के सीधा ग्लोबल विलेज क्यों कहीं रिस्ट नहीं बस तो अभी घूमते घूमते जी हमें बैग मिल गया जी अमेरिकन वीगल हम यहाँ पे पहले चलते हैं तो इन्होंने ऑफर भी दी हुई है 50% से 60% तो अभी देखते हैं गुड्डी कोई पसंद आ गई तो इंशाल्लाह ले लेंगे फिर चलें अभी देखते हैं ले जाके तो फाइनली अल बेग हमको मिल गया है जी तो आप खुद भी आएँगे सेकेंड फ्लोर पर लास्ट फ्लोर पर अल बेग मिलेगा ठीक है पहले हम पहुँचे हैं अलबेग पे ठीक है तो बहुत क्राउड है यहाँ पे अभी तो पहले ऑर्डर देने हैं फिर उसके बाद फिर ऑर्डर देने हैं अलबेग इसके फ्रंट पे है ठीक है और डिस्क के सामने है अलबेग अभी बस हम जा रहे हैं बस तो फाइनली पहुँचे हैं जी अलबेग पे 10 मिनट के बाद जो है और देख लिया अभी हम जा रहे हैं लाइन पे ये देखें ऐसे मुझे ये है अलबेग ऑर्डर है आप यहाँ से पिकअप करेंगे आप फाइनली जो है अलबेग आज मुबशर हम खाते हुए
जी हमने जो है खा लिया जी अलबेग, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था, ठीक है माशाल्लाह नंबर वन। तो अभी हम बस निकलते हैं यहाँ से, बस सीधे जाके ग्लोबल विलेज, अब मेट्रो पे चलते हैं, फिर वहाँ से फिर ग्लोबल विलेज। और आपको अभी दिखाते हैं इमार का जो है एक्वेरियम, देखना यहाँ से नीचे। ये है दुबई एक्वेरियम, इमार का ये देखिए, मछलियाँ तक भी नहीं आए, चेक करो। चलो यार हम निकल रहे हैं यहाँ से, बाय एग्जिट हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा रश लगा हुआ किसका, वो आइसक्रीम वगैरह। हम कर रहे हैं ओके, हम ये यहाँ पे बाद में देखते हैं ओके। फिर जब उन्होंने हमारा थैंक यू किया ओके वेलकम, तो अभी हम बस जा रहे हैं जी दुबई मेट्रो पे, सीधा निकलते हैं, बाय ओके दुबई मॉल, बाय बाय। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी हम बाहर निकल आए फाइनली, ओए ओए ओए। चलो जी मुबशर साहब तो थक गए, उन्होंने बैग दे दिया मुझे, और हम अभी पहुँचे यूनियन स्टेशन पे, यहाँ से हम बस पकड़ेंगे ग्लोबल विलेज के लिए, और ग्लोबल विलेज चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं फिर क्या होता है। ये देख लें हमारे पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है, ठीक है माशाल्लाह। देखें जी बस फुल हो गया जमान वाले, यूनियन बस सेंटर अब यहाँ पे आ गए हैं। आप जो है ना सिर्फ वेट है जी ग्लोबल विलेज के लिए, और यहाँ पे लिखा गया है कि सोरी बस इज फुल, दिस इज दुबई बेबी। यहाँ पे आ गए हम स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ है जी ग्लोबल विलेज 103 नंबर बस है, और ये जाएगी 8:15 पे, और अभी टाइम हुआ जी 7:45 पे। ग्लोबल विलेज तो फाइनली हम जो है ना पहुंचे हैं जी ग्लोबल विलेज, तो बस अभी हम इंटर हो रहे हैं, आपको मैं अंदर जाके दिखाता हूँ, ठीक है व्यू करवाता हूँ, क्योंकि लास्ट फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ग्लोबल विलेज जो है ना मैं आपको टूर करवाऊंगा, क्योंकि वो जो है अगस्त के बाद ही ओपन होता है, ठीक है। तो अभी बस हम आ गए ग्लोबल विलेज, ये पीछे, तो आपको हम दिखाते हैं अभी वीडियो, ठीक है। ग्लोबल विलेज ये फर्स्ट लुक है ग्लोबल विलेज की, अभी हम ग्लोबल विलेज, ये डॉक्टर वाइल्ड, ये है जी ग्लोबल विलेज का बाहर का गेट, ये बाहर का व्यू। अब अंदर जाके हम देखते हैं क्या है, यहाँ से हमने टिकट लेने, ठीक है वो लाइन देख लो टिकट की जितनी, ये है मुबशर और ये हम यहाँ से लेंगे टिकट, ठीक है। तो अभी बस टिकट लेके तो हम चलते फिर वो अंदर, तो यहाँ पे है जी मैं इंट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टिकट लिया, और टिकट आपने अपने शो करवाने हैं, हमें स्टेट चेकअप है, चेकअप होगा तो उसके बाद ही फिर हम जाएंगे। तो यार इंटर होते ये देखें यार इतनी लाइटिंग और इतना मज़े का व्यू यार, वाह। ये है ग्लोबल विलेज का अंदर का व्यू, अभी हम जाएंगे अंदर तो देखते हैं, वो देखो यहाँ पे बहुत, और आपको यहाँ पे जो है ऑनलाइन सारी चाय भी मिलेगी, फार्मेसी भी मिलेगी, ठीक है। और ग्लोबल विलेज में हम अपना देश, अपना जो है अपनापन ग्लोबल विलेज के अंदर आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान जिंदाबाद, यस पाकिस्तान जिंदाबाद, यस पाकिस्तान, दिस इज़ द पाकिस्तान बेबी इन ग्लोबल विलेज। सो अब चलते हैं अंदर पाकिस्तान के अंदर
हम आ गए जी जापान में। डर बहुत लगता है यहाँ झूले से, मसला ये है मैं इसलिए बैठता नहीं। चलो देखते हैं अभी जो है मेरा यहाँ पे जाने का दिल कर रहा है भाई। चलो अभी देखता हूँ यहाँ पे भी जाता हूँ, चले आपको भी ट्राई कराते हैं। अगर जो है मैंने मोबाइल अलाउ किया अंदर जाना फिर मैं लेके जा दूँ, तो फिर अंदर जाके आपको दिखाते हैं क्या जी कौन से जिन होते हैं। इन्होंने हमारे से भी बड़ा कोई जिन आ गया इधर, कमाल है भाई। चलो नेक्स्ट गो भाई जान, ये काम करते हैं ठीक है, ये सेम बॉल देंगे ठीक है, तो इसको गिराना है ठीक है, तो अगर ये चीज़ गिर गई तो हमको मिल जाएगा ये बालून। ओके सो लेट देखो आगे रुक गया ठीक है। ओके अच्छा हमारे साथ हुआ धोखा, और धोखा ये हुआ कि भाई दो शॉट लगाए हमने मेरे और मुबशर ने ठीक है, तो दो तो गिर जाते थे, तीसरा जो है ना वो भाई उन्होंने यकीन किया हमारे साथ। लेकिन उसके बाद जो है क्या हुआ कि मेरे टिकट वाला भी इधर वो लड़की जो है थी वो चली गई अपने ब्रेक पे या किधर, तो भी टाइम भी हो गया हम निकलते हैं, कार तो चार्ज नहीं करवा सकते आप, कार तो हमने ले लिया था लेकिन अभी चलते हैं तो यार चलो गेम फिर खेलेंगे, बैड लक हो जाती है। हम पहली बार कह रहे थे हम कौन सा इधर ले रहे हैं, चले बाकी ओके ठीक है फिर आपको दिखाते हैं, तो हम निकलते हैं फिर हम अबू धाबी के लिए। बस जी आज आज का सफर हुआ खत्म, ये एग्जिट गलती का। चलो हम चलते हैं आप वापस बाय बाय ग्लोबल विलेज। सो फाइनली हम जो है ना वापस पहुंचे अपने घर को, ये बाय निकल गए जी। ओके बाय बाय, तो रहिएगा मेरे साथ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक रखिएगा अपना ख्याल। ओके खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।